गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको आज इंग्लिश 2 पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश 2 में पहला यूनिट जो था वो था आपका द इंग्लिश अल्फाबेट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे और यूनिट 2 जो है वो है आपका यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कैपिटल लेटर्स का क्या यूज है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर होता क्या है, मैंने अल्फाबेट में आपको बताया था A, B, C, D, इस तरह से अगर हम लिखते जाते हैं तो ये कैपिटल लेटर है। इसको अगर हम फिर दूसरे तरीका से A, B, C, D इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या है, स्मॉल लेटर है। तो अल्फाबेट को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर हुआ आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका स्मॉल लेटर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल लेटर्स का यूज कहां होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, किसी भी इंसान का नाम जब लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम, तो उसका नाम का जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, किसी भी पर्सन का फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, जैसे मान लो राम लिखेंगे तो इसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, मोहन लिखेंगे कैपिटल होगा। ठीक है, इस तरह से जो भी लिखेंगे ना तो कैपिटल होगा। इसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस का नाम लिखेंगे। ठीक है, किसी भी प्लेस का नाम लिखेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, जैसे अमेरिका। ठीक है, तो पहला लेटर कैपिटल हुआ। इसके बाद कुछ भी ले लो, ब्राजील, ठीक है, इंडिया, ठीक है, अररिया, तो पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ डेज, सप्ताह के 7 दिन जो होते हैं उसका जब हम नाम लिखेंगे तो उसमें भी पहला लेटर आपका क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे हम लिखेंगे संडे, एस यू एन डी ए वेयर एवर इट इज यूज, जस्ट यू कैन राइट द फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, संडे, मंडे, इस तरह से आप जहां भी इसको लिखोगे तो पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ मंथ्स। ठीक है, साल, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो उस महीनों के नाम जब भी हम कहीं लिखेंगे तो पहला लेटर उसका भी कैपिटल होगा। ठीक है, इस तरह से फरवरी, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, तो हमने ये सीखा आज, और भी अब जैसे फेस्टिवल है, हॉलिडे है, जब भी कोई फेस्टिवल का हम लोग लिखेंगे, जिक्र करेंगे तो वहां भी होगा, होली है, ईद है, दिवाली है, तो कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका टेबल है, फर्स्ट में कैपिटल लेटर, किसी भी इंसान का नाम का पहला लेटर कैपिटल। इसके बाद सरनेम, ओके, नेम के लास्ट में जो सरनेम होता है, जो टाइटल जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसमें भी क्या लगता है, पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे लिखेंगे हम लोग माया ठाकुर, ठीक है, तो माया का एम कैपिटल होगा और ठाकुर का टी कैपिटल होगा, ध्यान देना। इसके बाद इसी तरह यहां लिखा हुआ है, इसके बाद है कैपिटल लेटर किसी भी प्लेस का, भी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद होलीडे का,
ठीक है, कैपिटल लेटर होता है पहला, उसके बाद संडे मंडे ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इस पर आधारित यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए द फर्स्ट लेटर ऑफ ए पर्सन नेम इज ऑब्वियसली कैपिटल होगा, नेम ऑफ द प्लेसेस बिगिन विथ अ, किसी भी जगहों के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, यहाँ पे कैपिटल होगा, इसमें भी कैपिटल, इसमें भी कैपिटल। नंबर थ्री, देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 में, इसमें टिक कर देंगे। इसके बाद यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, जहां पे कैपिटल लेटर का जरूरत हो वहां पे आपको करना, राइट योर नेम, आपका नाम लिखना है तो आपका नाम मान लो अगर मोहन कुमार है तो एम कैपिटल होगा, कुमार का भी के कैपिटल होगा। राइट योर फादर्स नेम, आपका आपके पापा का नाम लिखना है यहाँ पे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, टाइटल का भी पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। ओके, डोंट फॉरगेट टू पुट द मिस्टर बिफोर योर फादर्स नेम, ठीक है। राइट योर मदर्स नेम, यहाँ पे भी आपको करना है मिसेस जो भी एक्स वाई जेड होगा। राइट योर टीचर्स नेम, आपके टीचर्स का भी नाम लिखना है यहाँ पे। राइट योर फ्रेंड नेम, आपके फ्रेंड्स का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ द प्लेसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर, रीराइट द नेम्स करेक्टली इन द ब्लैंक स्पेस, द फर्स्ट वन इज हैज बीन डन ऑलरेडी। यहाँ पे आपको नेशनल म्यूजियम है, ठीक है, नेशनल म्यूजियम जैसे यहाँ लिखा हुआ इसको वापस यहाँ लिखना है, लेकिन इस तरह से लिखना है, जैसे नेशनल का एन कैपिटल, म्यूजियम का एन कैपिटल, उसी तरह सफदर हाशमी रोड है तो एस कैपिटल हो जाएगा, फिर हाशमी का एच कैपिटल, रोड का आर कैपिटल, पटेल का पी कैपिटल, नगर का एन कैपिटल, दिल्ली का डी कैपिटल, सिटी का सी कैपिटल, उपहार का यू कैपिटल, सिनेमा का सी कैपिटल। तो ये आपको टॉपिक में बना के लाना है। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा कैपिटल लेटर का यूज कहाँ होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर अगली क्लास में। थैंक यू।